आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया, आपके साथ में ज्योति वर्मा, खबर जम्मू से। आजकल देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस, आर्मी और प्रशासन सभी जम्मू कश्मीर के युवाओं के खेल में रुचि बढ़ाने के लिए आए दिन विभिन्न प्रकार के समारोह या प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन करती रहती है, जिसके चलते इन जम्मू कश्मीर के बच्चों का छिपा हुआ हुनर सबके सामने आ रहा है। इसी प्रकार की एक शुरुआत की है रामबन के सरकारी मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय ने। जी हाँ, आज इस स्कूल ने एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया। इस मैच की खासियत ये थी कि यहाँ लड़कों के साथ साथ लड़कियों के बीच भी क्रिकेट मैच हुआ। आपको बता दें, ये मॉडल स्कूल द्वारा की जा रही एक बड़ी पहल है, जिसमें ये लड़कियों को भी ऐसे खेलों में हिस्सा लेने का मौका दे रहे हैं जिसमें केवल लड़कों को ही बढ़ावा दिया जाता है। आइए देखते हैं इस मैच के कुछ अंश और सुनते हैं स्कूल प्रशासन और इन बच्चियों को, जिन्होंने बेहद उत्साह के साथ ये मैच खेला। बहुत अच्छा लगा सर, सर हम भी आगे यही खेलना चाहते सर, वेरी इंटरेस्टेड गेम्स भी, और सर लड़कियाँ लड़कियाँ खेल रही, इससे सर अच्छा ही सर इंटरेस्ट, उतना कोई अच्छा खेल नहीं पाता है, पहले से नहीं खेले सर, नया नया खेल रहे सर, इसकी वजह से सर गेम हमारे। ये कहूँगी कि आज जो बच्चों ने खेला, आज उनका तीसरा दिन था, लेकिन जो पहला दिन था उसमें थोड़ा फर्क था, दूसरे दिन में थोड़ा सुधार था, आज तीसरे दिन में मुझे ऐसा लगा कि सच में यही प्लेयर बन गई, क्रिकेट प्लेयर बन गई, और मुझे इतनी खुशी हुई है कि इनके चेहरे पर जो रौनक है, खुशी है, मुझे यही देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं मुबारकबाद देती हूँ लड़कियों को, इन्होंने एक अधिक से अधिक अवसर दिया जाए कि वो भी खेल में, हर खेल में हिस्सा लें। मेडिकल स्टूडेंट, आज हमारे पिछले 10 दिन से जो सिलेबस हमारा ख़त्म हो गया, उसके बाद हमें टीचर सारे स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं। पिछले 5-8 दिन से हमारे यहाँ खेल के बारे में हमारे राइसिंग सर, पीटी सर और फिजिकल एजुकेशन के जो लेक्चरर है अरुण सर, ये भी, और आशा मैम वगैरह सभी हमें ध्यान दे रहे, ये खेलने के लिए सभी हमें प्लानिंग कोच कर रहे, और साथ साथ अभी पिछले जब से स्कूल बना है, मेरे ख्याल पहली बार गर्ल्स को क्रिकेट के तरफ तवज्जो दे रहे हैं, सिखा रहे खुद राइसिंग सर और आशा मैम। शुक्रिया कि हमारे इस पसमानदा इलाके रामबन की गर्ल्स को कवरिंग देने के लिए, और दूसरी फुर्सत में प्रिंसिपल साहब और आशा मैडम और अरुण सर का, और हमारे दूसरे साथी रंजीत जी, इनका काफ़ी सहयोग रहा। हमारी ख्वाहिश है कि रामबन से ज़्यादा बच्चियां ना सिर्फ अपनी स्टेट के लिए बल्कि पूरे नेशन के लिए खेलें। इसमें हमारे ओमकार सर हैं जो फिजिकल को डील करते हैं, आज वो एज ए कोच जो है नेशनल के लिए गए हैं, उनका भी बड़ा योगदान रहता है, अरुण सर का काफ़ी योगदान रहता है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा ये कहूँगा प्रिंसिपल साहब और आशा मैडम और दीगर फीमेल स्टाफ ने काफ़ी एनकरेज किया, और जिसकी वजह से कम्युनल हारमोनी के तहत आज हमने इन बच्चियों को एक मौका दिया है। हमारी तमन्ना है, हमारी ख्वाहिश है कि ये रामबन के दूर दराज पहाड़ों इलाके की बच्चियां जो हैं वो अपने ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का बल्कि पूरी स्टेट का और देश का नाम रोशन करें, इसी भावना से इन बच्चियों को एक मॉरल सपोर्ट, एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। हम जानते हैं कि अभी हमारी बच्चियों में काफ़ी कमी है, इनको काफ़ी कोचिंग की ज़रूरत है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनका एटीट्यूड पॉजिटिव है और इनका जज्बा जो है हिमालय पहाड़ से भी ऊंचा है। मेरी दुआएं हैं कि ये बच्चियां जो है हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में अपना नाम रोशन करें, इसी भावना से ये सिलसिला जो है आगे आइंदा भी चलता रहेगा, और हम उम्मीद करेंगे कि मीडिया पर्सनल इसी तरह से इन रामबन की बच्चियों की हौसला अफजाई करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में लड़कियों और महिलाओं को समाज, राजनीति और विभिन्न प्रकार के सामाजिक कामों से दूर रखकर केवल घर गृहस्थी में ही झोंका जाता है, वहीं दूसरी ओर एक सरकारी स्कूल की तरफ से खेलों में लड़कियों को इस प्रकार से मौका देना काबिले तारीफ है। ये थी रामबन से सरवर कटोच की रिपोर्ट। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।